रहे हैं द फुलझड़ी। संसार में लगभग हर इंसान यही सोचता और मानता है कि दूसरी दुनिया भी है। ये दूसरी दुनिया जो शैतानों की मानी जाती है, जिसे नर्क कहा जाता है, वही कुछ लोगों का मानना है कि दूसरी दुनिया यानी नर्क के दरवाजे इसी दुनिया में खुलते हैं। ऐसे में कई लोगों का दावा है कि उन्होंने नर्क के दरवाजे खोज निकाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जिन्हें नर्क के दरवाजे कहा जाता है। सबसे पहले एक ऐसा ही नर्क का दरवाजा इटली में मौजूद है। इटली के लैकस कर्टिस में मौजूद एक कुएं को लेकर लोग ये कहते हैं कि यह नर्क का द्वार है। इस एरिया में प्रचलित कहानियों के मुताबिक जब रोम के राजा को कहा गया कि शहर को बचाने के लिए उन्हें कुएं में कूदना होगा, तो उन्होंने अपने घोड़े समेत इस कुएं में छलांग लगा दी। फिलहाल इस नर्क के द्वार को सीमेंट की चादर से ढक दिया गया है। वहीं दुनिया में दूसरा नर्क का दरवाजा जापान में मौजूद है। जापान के बेपू सिटी में चिनोई के जिगोकू नाम का हॉट स्प्रिंग है। इस तालाब में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है। लोगों ने इसका जिम्मेदार शैतानी शक्तियों को माना है। कहा जाता है कि इस तालाब की रक्षा शैतान करते हैं। इस तालाब का पानी 78 डिग्री सेल्सियस में खौलता रहता है। पुराने समय में कैदियों को इस तालाब में जिंदा उबाल दिया जाता था। आगे इटली में एक गुफा मौजूद है जिसका नाम नेपलस गुफा है। इटली के नेपलस में मौजूद इस गुफा का जिक्र 2000 साल पहले लिखी गई एक कविता में मिलता है। सन 1932 में आर्कियोलॉजिस्ट अमेदो मेउरी ने सबसे पहले इसे नर्क का द्वार घोषित किया था। अभी तक किसी ने इस दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की है। हालांकि असलियत कुछ भी हो, लेकिन लोगों की बातें सुनने के बाद कोई भी इस दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद नंबर आता है तुर्की का प्लूटो गेट का। यह गेट तुर्की के डेनिजली प्रोविंस में मौजूद प्लूटो गेट की हाल ही में पुराने मंदिर की खुदाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। इसका दावा है कि इस दरवाजे के उस पार मौजूद सुरंग से जहरीली गैस का रिसाव होता है। ग्रीक फिलोसोफर स्ट्रेबो दावा करते हैं कि जो भी इस गेट को पार करने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। नर्क के दरवाजे के नाम से द गेट्स ऑफ गिनी का नाम खूब मशहूर है। वुडू माइथोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि मौत के बाद द गेट्स ऑफ गिनी में आत्माएं शुद्धि करवाने आती हैं। इसके न्यू ऑर्लियंस में लोगों का कहना है कि सिटी के फ्रेंच क्वार्टर्स के पास स्थित इस दरवाजे के उस पार सिर्फ आत्माएं ही जा सकती हैं। सेंट्रल अमेरिका के बेलीज में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। अक्तून टूनीसील मुकनाल केव को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ मौत के देवता रहते हैं। हाल ही में यहाँ से 18 साल की लड़की का कंकाल मिला था। कहते हैं कि 1000 साल पहले इस लड़की की बलि चढ़ाई गई थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।